और चलिए भोपाल का रुख करेंगे, जहां से एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। नाराजगी असंतुष्ट जैसे शब्दों को लेकर भी रघुनंदन शर्मा ने सफाई दी और कहा कि हम सब पार्टी के शुभचिंतक हैं, पार्टी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ी सी सीटों पर कांग्रेस से पीछे रह गए थे और ये भी कहा कि जैसे हम पहले प्रचंड बहुमत से जीते ये सिलसिला आगे भी जारी रहना चाहिए। लेकिन बैठक खत्म हो चुकी है, बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। क्या निष्कर्ष उससे निकल कर आया है वो हम समझेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, बैठक खत्म हो चुकी है, रघुनंदन शर्मा ने सफाई भी दी है, लेकिन इस बैठक से निष्कर्ष क्या निकल कर आया है? देखिए जया, रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। दरअसल रघुनंदन शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और ऐसे बीजेपी के कई नेता हैं जो संगठन से नाराज चल रहे थे। जब रघुनंदन शर्मा से मीडिया ने चर्चा की कि संतुष्ट और नाराज नेताओं को एक जाजम पर लाकर आपने बातचीत की है, तो रघुनंदन शर्मा का साफ तौर पर कहना था कि हम नाराज नहीं है, असंतुष्ट नहीं है, हम पार्टी के हित चिंतक हैं, शुभ चिंतक हैं, जो पार्टी के बारे में सोचते हैं। हालांकि ये सवाल अलग है जया कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता हो रही है, इसी वजह से इस तरह की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। रघुनंदन शर्मा ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि संवाद और संपर्क पिछले 1.5 सालों से नहीं हो रहा था। विधानसभा चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण यही था और उसके बाद लगातार पार्टी नेतृत्व चर्चा नहीं कर रहे थे वरिष्ठ नेताओं से, जो वैचारिक तौर पर पार्टी के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, ऐसे नेताओं से चर्चा नहीं किए जाने से जो संवादहीनता की स्थिति बनी थी। अब संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने उन्हें आश्वस्त किया है कि आप जो चिंता कर रहे हैं अब वो पार्टी चिंता करेगी, ऐसे में ये बैठकों का दौर खत्म हो चुका है और अब पार्टी ही इन तमाम नेताओं को जो वैचारिक तौर पर प्रतिबद्ध हैं और संवादहीनता या संपर्क की स्थिति नहीं बन रही थी उन तमाम नेताओं से चर्चा करेंगी। इसमें सबसे खास बात ये है जया कि पिछले 1.5 साल से रघुनंदन शर्मा सत्ता और संगठन को लेकर अलग अलग तरह से बयान देते नजर आए हैं। पिछले 6 महीने से जब से सत्ता है तब भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था और जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं उनके साथ उपचुनाव में, दीपक जोशी इस वर्चुअल मीटिंग में, यहाँ पर रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में 16 पूर्व जिलाध्यक्ष के अलावा कई पूर्व पार्टी पदाधिकारी हैं, बीजेपी के जिला संगठन पूर्व जिला संगठन मंत्री भी इसमें रहे हैं, तो कुछ लोग वर्चुअल तौर पर जुड़े थे और कुछ लोग एक्चुअल रूप में उस बैठक में मौजूद थे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आशीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बैठक खत्म हो चुकी है जो रघुनंदन शर्मा की अध्यक्षता में चल रही थी, उनके नेतृत्व में चल रही थी, और उसके बाद जब बैठक खत्म हुई तो मीडिया से भी बातचीत की गई, रघुनंदन शर्मा की तरफ से सफाई दी गई और कहा कि हम सब पार्टी के शुभचिंतक हैं, नाराजगी और असंतुष्ट जैसे कोई शब्द नहीं है, और ये भी कहा कि पार्टी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए ही हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।